नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर क्वालिटी टॉपिक से रिलेटेड लेकर आया हूँ। क्वालिटी क्या है और QA एंड QC क्या है, तो इसमें सबसे पहले आज हम क्वालिटी और QA के बारे में देखेंगे और अगले पार्ट में हम QC के बारे में भी देखेंगे और उसके बाद QA एंड QC में क्या डिफरेंस होता है वो भी देखेंगे। तो हमारी स्लाइड जो है थोड़ा बड़ी ना हो, आपको टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं इसको दो तीन पार्टों में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए देखते हैं इस टॉपिक को। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का अर्थ है ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी ग्राहक सेटिस्फेक्शन जो होता है वो क्वालिटी होता है। यह किसी भी सजीव या निर्जीव की अच्छे स्वभाव को व्यक्त करता है, यानी कोई भी व्यक्ति होगी जो या कोई चीज होगी तो उसका जो गुण होगा वो क्वालिटी कहलाता है। जब किसी भी चीज या व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण दिखते हैं तो उसे हम क्वालिटी कहते हैं। किसी भी कंपनी को व्यापार में टिके रहने के लिए क्वालिटी की बहुत आवश्यकता होती है, यानी जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी अगर होगी तो आप अच्छे होंगे। क्यूए क्या है? क्वालिटी तो हमने जान लिया, अब देखते हैं क्यूए, यानी क्यूए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक भाग है जो कि हमें इस बात का कॉन्फिडेंस देता है, फोकस करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्वालिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, मतलब कि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनाएंगे, ये हमारा क्वालिटी एश्योरेंस, ये हमें कॉन्फिडेंस देता है। क्वालिटी एश्योरेंस डिफेक्ट प्रिवेंशन करता है, मतलब प्रोडक्ट बनाने से पहले ही हर उस संभव कारण की जांच कर लेते हैं जिससे कि हमारा डिफेक्ट जनरेट हो सकता है और उसे दूर कर देते हैं ताकि डिफेक्ट जनरेट ही ना हो, ये क्वालिटी एश्योरेंस काम करता है। यह एक प्रोएक्टिव फंक्शन है क्योंकि यह डिफेक्ट जनरेट होने से पहले ही काम करता है। क्वालिटी एश्योरेंस में प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई जाती है जिसमें काम करती है, जिससे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग लिए जाते हैं, उनसे इनपुट लिए जाते हैं कि प्रोडक्शन से, क्वालिटी से, मेंटेनेंस से, टूल रूम से, आदि जितने भी आपकी कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं उनमें से कुछ लोगों को चॉइस करके एक टीम बनाई जाती है जिसके अंतर्गत हम यह काम करते हैं। पर्पज क्या होता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है क्वालिटी एश्योरेंस का? प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाना, हर छोटे से और बड़े से बड़े रीजन को चेक कर लेना ताकि हमारा प्रोडक्ट बने तब उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, ये हम इसका पर्पज होता है कि हमारा जब कोई प्रोडक्ट बने तो उसमें कोई डिफेक्ट जनरेट ना हो। क्वालिटी एश्योरेंस में स्टैटिकल टूल या टेक्निक्स का प्रयोग प्रोसेस इनपुट और ऑपरेशन पैरामीटर्स को चेक करने के लिए किया जाता है जिसे हम SPC भी कहते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस द्वारा क्वालिटी मैनेजमेंट को बनाना और उसके परफॉर्मेंस को ऑडिट के द्वारा चेक करते रहना, जिसके अंतर्गत हमारा प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, ढेर सारे ऑडिट जितने भी ऑडिट आते हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत सिस्टमेटिक एक्टिविटी भी आती है जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट बनाते हैं जैसे SOP, प्रोसीजर, FMEA, कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शन, ये सारे चीज़ें हम क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस क्यों जरूरी है? प्रोडक्ट बनने में गलती की कोई संभावना नहीं रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रदान करने के लिए, कस्टमर का प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस जरूरी है। प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना रहे, प्रोडक्ट से कस्टमर पूरी तरह सेटिस्फाई हो, इसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस जरूरी है। डिफेक्टेड प्रोडक्ट के कारण जो लॉस हो रहे हैं उसे कम किया जा सके, तो इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस की जरूरत है। मास प्रोडक्शन में प्रोडक्शन की क्वालिटी में कोई कमी ना आए, इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस की जरूरत। बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस से हमें प्रोडक्ट पर एक विश्वास बन जाता है कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही है।
क्वालिटी एश्योरेंस से प्रोडक्ट की क्वालिटी में बहुत अधिक सुधार आ जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस से डिफेक्ट नहीं आता प्रोडक्ट में, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जिससे हमें व्यापार में ज्यादा फायदा होता है। प्रोडक्टिविटी के बढ़ जाने से बिजनेस में ज्यादा फायदा होता है। क्वालिटी एश्योरेंस से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सुधार आ जाता है क्योंकि इसमें हम गलती की कोई संभावना ही नहीं छोड़ते। आइए हम और देखते हैं क्या क्वालिटी एश्योरेंस के बेनिफिट हैं। यहां मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को कम करता है क्योंकि जहां गलतियां कम होंगी वहां प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं होगा। जब गलतियां कम होंगी तो प्रोडक्ट को बनाने की लागत में भी कमी आएगी जिससे कस्टमर को कम दामों में हम अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट प्राप्त हो सकेगा। जब हमारी प्रोसेस बिना किसी गलती के चलती रहेगी तो कस्टमर को समय पर प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाएगा, ये एक बेनिफिट और है। क्वालिटी एश्योरेंस से समय की भी बचत होती है और बेनिफिट है ये। क्वालिटी एश्योरेंस से बिजनेस को और बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में हमने जाना और अगली जो हम टॉपिक पे लाएंगे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में देंगे और इस तरीके से हमारा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में आगे बताएंगे। तो और लिंक में हमने क्वालिटी से ढेर सारे टॉपिक 7QC टूल, 5S OE, 3M 3G ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स लिंक में डाल दिए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और सीखते रहिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करते रहिए। इसी के साथ मैं चाहूँगा छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहता रहूँगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। तो टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए टॉपिक और नए नए मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और